हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि MLM में जो सॉफ्टवेयर होते हैं लेबल ROI के, वो किस तरह से काम करते हैं, उनके सारे फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस खड़ा करना है तो उनके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उनके लिए मेन जो चीज़ होती है डिजिटल फील्ड में जो आपकी पहचान बनाएगी वो है आपका वेबसाइट और सॉफ्टवेयर। और MLM में इम्पॉर्टेंट है आपका सॉफ्टवेयर। तो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर किस तरह से आप बनवाएंगे, इनके बाद आपको लीगल वे में आपको जो रजिस्ट्रेशन के पेपर होते हैं, इनके बाद आपके जो मेन चीज़ें होती हैं जिसमें पैसे आपके आएंगे बैंक अकाउंट, वो सब आपको कैसे ओपन करवाना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर जो लेबल ROI प्लान का है वो काम कैसे करता है। इनके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, साथ में अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो कंपनी के नाम का होगा उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको इन सब चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो चलिए अभी सबसे पहले सॉफ्टवेयर को समझते हैं, फिर इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी जो आपके सामने ओपन है ये यूजर का लॉगिन पैनल है और ये साइड में हमारा एडमिन का लॉगिन पैनल है। तो एडमिन का लॉगिन पैनल में हम एडमिन का यूजर ID और पासवर्ड एंटर कर देते हैं, इससे एडमिन लॉगिन हो जाएगा। तो ये एडमिन जो लॉगिन हुआ इसमें आपको दिखेगा टोटल टीम कितना है, एक्टिव टीम कितना है, टोटल आपके कंपनी में कितने पैसे आए, पेंडिंग पे आउट कितना है और टोटल पे आउट। ये एक बेसिक फीचर्स हैं। इनमें और भी फीचर्स जैसे KYC कितने हुए हैं, कितने पेंडिंग KYC है, कितनी ज़्यादा इंक्वायरी आई है, अगर ये सब भी इसमें हम सेट कर सकते हैं, अभी हमने सेट किया नहीं है। इनके बाद फंड मैनेज के लिए एक बटन दिया हुआ है, नोटिस मैनेज करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और विड्रॉल के लिए, और एक ROI जनरेट करने के लिए दिया हुआ है। अगर मैनुअल रखना है तो मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। अब अगर हम यूजर को लॉगिन करें, किसी भी यूजर को, तो उसका यूजर ID डालना है यहाँ पे, इनके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि ये भी लॉगिन हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज हो रहा है कि प्लीज़ अपडेट योर बैंक डिटेल इन प्रोफाइल। अगर आप नया कस्टमर को रजिस्टर करेंगे तो उनका अगर डिटेल प्रोफाइल में अपडेट नहीं होगा तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, और जैसे आप कर देंगे तो ये डिटेल यहाँ से वो जो एरर आ रहा है वो गायब हो जाएगा। इनका मेंबर डिटेल नीचे में दिखेगा जिस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, उसका नाम दिखेगा, टेलीग्राम अगर आपका कोई ग्रुप है जिस पर आप मीटिंग लेना चाहेंगे वो मीटिंग लिंक यहाँ पे दिखेगा, एक्टिव है कि नॉट एक्टिव वो दिखेगा। इनके बाद कुछ जैसे यहाँ पे मेन्यू बार है और कुछ शॉर्टकट हैं जैसे स्कैन एंड पे का है, एक्टिवेट प्लान का है और प्रोफाइल का है। और ये मोबाइल में अगर ओपन करेंगे तो किस तरह से दिखेगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो मोबाइल में कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अभी कंप्यूटर व्यू में ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको प्लान दिखेगा कितने का आपने प्लान लिया है, मल्टीपल प्लान है, 100 रुपया, 200, 250, 300, 500 ऐसा करके प्लान इसमें है। आपने टोटल रेफर कितना किया है वो, एक्टिव रेफरल, टोटल कितनी अर्निंग हुई है, डायरेक्ट इनकम कितना आया है, डेली इनकम, टीम इनकम और फंड बैलेंस आपके पास कितना है। अगर इसको फंड देना हो सपोज करिए तो एडमिन से यहाँ पे हम फंड इसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल उसका यूजर ID डालेंगे और कितना फंड चाहिए, मान के चलिए 100 रुपया का फंड चाहिए तो 100 रुपया का फंड इसको जैसे हम डालेंगे तो अभी ये जो फंड 0 दिख रहा है, अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे फंड दिख जाएगा 100 रुपया का, ठीक है। और अगर हम फंड में हिस्ट्री में जाके देखें, फंड हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हमें दिखेगा कि अभी हमने जो 100 रुपये का लिया है वो एडमिन हमें ट्रांसफ़र किया है। अब इनके बाद देखते हैं इनमें और भी ऑप्शन क्या क्या हैं। जैसे टीम का ऑप्शन है, हर एक कंपनी में ये होता ही है प्लान में। स्कैन पे वाला जो फंक्शंस था, इसके अंदर कंपनी का QR कोड होता है, यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपलोड कर देगा, उधर से एडमिन अप्रूव करेगा, फिर इनको फंड ऐड होगा, या फंड या पिन दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। इनके बाद फंड में एक्टिवेट करने का ऑप्शन है, री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, अगर आपने एक बार 100 का प्लान ले लिया, मन है 200 का प्लान लेने के लिए, फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। फंड अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो फंड आप यूज करेंगे या फिर जो फंड आपको मिला उसका हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगा। रिपोर्ट में आपके टोटल कितने अर्निंग हुए हैं, कौन से पैसे क्रेडिट हुए हैं, कौन सा डेबिट हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा। विड्रॉ में तो विड्रॉ वाले होते हैं, जैसे आपके वॉलेट में बैलेंस बन गया तो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मिनिमम 500 का विड्रॉ है तो 500 से पहले एरर दिखेगा, जब 500 हो जाएगा उनके बाद ही ये वाला बॉक्स ओपन होगा। इनके बाद आगे डिपॉजिट वाला सेक्शन वही है जो शॉर्टकट में है, वो यहाँ पे भी है। तो इनमें देखिए क्या है कि बेसिक फीचर्स हैं जो एक लेबल ROI प्लान के अंदर होना चाहिए। इसमें टीम से जो इनकम आएगा वो टीम में दिखेगा और डेली का इनकम उसको डेली वाले वॉलेट में दिखेगा। अब इनमें कुछ लोग क्या कर सकते हैं, वीकली इनकम दे सकते हैं, मंथली इनकम दे सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ इसके अंदर हम कर सकते हैं।
ये जो बेसिक फीचर्स हैं इसमें मल्टीपल प्लान हैं, इनके साथ 5 या 7 लेवल का प्लान है और डेली जो इनकम मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, उसका 10% डेली यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो इस तरह के प्लान आपको कभी बनवाना हो तो, या फिर सॉफ्टवेयर का अगर आपको डेमो देखना हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे आपको डेमो मिल जाएगा, आप डेमो वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सॉफ्टवेयर के जो भी फीचर्स हैं उनके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो मिनिमम 2 डायरेक्टर जरूरी होता है। तो जो आप 2 पार्टनर मिलकर कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं, अगर कोई पार्टनर नहीं है तो आपके फैमिली में किसी भी मेंबर को आप ले सकते हैं अपने साथ में अपने बिजनेस में, तो वो आपका डायरेक्टर बन सकता है कंपनी के अंदर। तो उन दोनों के बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, उनके लिए हम लोग भी आपको करके देंगे प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर, और आप उनको बाद में गवर्नमेंट की जो साइट होती है उन पर भी जाके चेक कर सकते हैं। 7 to 10 days का प्रोसेस होता है, वो आपको करके मिल जाएगा, आप किसी भी स्टेट में हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, आपको बैंक अकाउंट ओपन कैसे कराना है, तो उनके लिए आपको जो हम लोग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे उनमें GST को लेकर आप जाएंगे बैंक में तो आपको GST के बिहाव पे आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देगा, या नहीं तो उनसे भी आपको सिंपल वे में ओपन करवाना है तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या तो आपके पास MSME होना चाहिए, कुछ बैंक MSME पे भी अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर शॉप एस्टेब्लिश सर्टिफिकेट एक होता है उन पर भी आप ओपन करवा सकते हैं। तो वो अगर आपके पास है या नहीं है तो हम लोग बना के आपको देंगे, वो आप लेके बैंक में जाएंगे, बैंक वाले आपके अकाउंट उसके ऊपर में ओपन कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं यदि आप कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में या फिर सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो गया या फिर लीगल रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें कॉल करके इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर बनवाना हो तो आप हमारी टीम से या फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको सॉफ्टवेयर आपके प्लान के हिसाब से कस्टमाइज करके मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।